हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। पिछले साल दीपिका पादुकोण ने रणवीर सिंह के साथ शादी कर ली। शादी से पहले उनके कई अफेयर्स की खबरें आती रही हैं, जिनमें रणवीर कपूर के साथ रिश्ते की बात उन्होंने स्वीकारी भी थी। उनके एक्स बॉयफ्रेंड निहार पांड्या रहे हैं जो अब शादी करने जा रहे हैं। निहार ने जानी मानी सिंगर नीति मोहन के साथ शादी करने का फैसला किया है और इसका खुलासा उन्होंने कपिल शर्मा के शो में कर दिया। कपिल शर्मा के शो का ये एपिसोड इस वीकेंड पर दिखाया जाएगा। निहार के मुताबिक एक साल पहले वो नीति के प्यार में पड़े। नीति आसमा नाम के एक बैंड के साथ गाती थी और उसी का एक सदस्य निहार का दोस्त था। निहार ने उन्हें नीति से मिलवाने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर उसी दोस्त की शादी में नीति और निहार गोवा में मिले और फिर दोनों के बीच बात आगे बढ़ी। नीति ने बताया कि हमारे ख्याल बहुत ही मिलते जुलते हैं, हम एक दूसरे से तुरंत ही कनेक्ट हो गए। मैं और निहार एक दोस्त की शादी में मिले थे, वहीं हम मिले और एक दूसरे के साथ जुड़ गए। निहार के साथ साथ उनके परिवार के साथ भी मेरा बहुत अच्छा संबंध है। साथ ही नीति ने बताया कि सभी कार्यक्रम 14 और 15 फरवरी को होने वाले हैं। अभी तक सगाई नहीं हुई है पर दोनों के परिवार की तरफ से रिश्ता पक्का हुआ है और उनकी बहुत सारी दुआएं भी हमें मिली हैं। आपको बता दें कि नीति मोहन ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए हैं और निहार पांड्या ने फिल्म मणिकर्णिका से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।